वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बहुत लंबे समय के बाद फिर से ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और अब कोशिश करूँगा कि आप लोग को रेगुलर ब्लॉग मिले, क्योंकि कुछ दिन पहले बिज़ी हो गया था मैं अपने दूसरे काम में, इसीलिए ब्लॉग नहीं लेके आ पा रहा था आप लोग के लिए। और आज के ब्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा मेरा गाँव, मेरा गाँव कैसा है और क्या क्या है मेरे गाँव में सारा कुछ। ठीक है, तो बने रहे ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको अपना गांव। गाइस, सबसे पहले अपने गांव का मैं आपको एंट्री गेट दिखाता हूं, प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको मैं वो दिखाता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग ने देखा हमारे गेट का, सॉरी हमारे गांव का एंट्री गेट। हो सकता है ये ब्लॉग लॉन्ग हो जाए, इसलिए पार्ट वन और पार्ट टू में आएगा। आगे चल के दिखाते हैं आपको और क्या क्या है हमारे गांव में, और मिलवाते हैं किसी पर्सन से भी मिलवाएंगे जो आएंगे ब्लॉग में। चलिए ब्लॉग में बने रहें। प्लेग्राउंड देखिए, हमारे गांव का प्लेग्राउंड कैसा है। यहाँ पे लगा हुआ है वॉलीबॉल का नेट, यहाँ पे सभी तरह के खेलते हैं बच्चे। और ये है, वहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी होता है, मतलब सारा कुछ, मतलब कितना बेहतरीन है। देखिए व्यू अच्छा है यहाँ पे, और सुबह शाम सब लोग आते हैं अच्छे से टहलने वगैरह के लिए। तो गाइस, अभी प्लेग्राउंड और एंट्री गेट के बाद आपको हमारे गांव का हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। दिखाते हैं आपको हनुमान मंदिर कैसा है, हम लोग का कैसा बना हुआ, कैसा व्यू है उसका कैंपस का। और अभी वो जो व्यू जो दिख रहा है, ये उसका नाम है, क्या नाम है, बोला कुमार स्कूल, गाँव तरफ सब कुल्लू बोलते हैं हम लोग प्यार से। तो ये हम मेरे साथ में अभी है और अभी ये ब्लॉग में रहेगा कंटिन्यू। तो देख, चलिए देखते हैं हमारे गांव का हनुमान मंदिर, और भी एक मंदिर है वो भी दिखाएंगे आप लोग को, पहले ये देख लेते हैं। चलिए, पीछे मंदिर आप लोग को दिख रहा है, ये हमारे गाँव का हनुमान मंदिर है। ठीक है, देखने के बाद आगे चलते हैं
और भी आगे आगे जो जो दिखेगा हमको अच्छा अच्छा व्यू वो आपको सबको दिखा सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बने रहे ब्लॉग में। तो गाइज अभी कुछ देर पहले बात किए थे कि दूसरा मंदिर दिखाएंगे, तो अभी पहुंच गए हैं दूसरे मंदिर के पास और यहाँ का भी व्यूज़ दिखाते हैं आप लोग को। ये भी मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ये है हमारे गांव का दूसरा मंदिर को, इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत किया गया है। ये बैक साइड से दिखा रहे हैं आपको, फ्रंट साइड का आपको वो भी दिखेगा कितनी खूबसूरत है ये देखिए। चार चीज़ दिखा चुके हैं, पहला हमारा एंट्री गेट, दूसरा प्लेग्राउंड और ये दो मंदिर। और अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से हमारे पीछे देखिए पूरा नेचर व्यू दिख रहा है, मतलब तो हमारे गांव में जितना भी खेत वगैरह है सारा कुछ यहाँ से दिख रहा है। अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ का भी आपको व्यू दिखाएंगे अगर उधर जाते हैं तो फिर अभी और भी कुछ नए लोग बने रहे ब्लॉग में। तो गाइस मंदिर, दो मंदिर, एक प्ले ग्राउंड, ये तो था गांव में है मेरे, वो दिखाने के बाद ये देखिए ये मेरे गांव का तालाब है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में मेरा घर भी है उधर। बारिश इतना हुआ इस बार कि पूरा तालाब भरा हुआ है, व्यूज भी अच्छी आ रही है, देखने में अच्छा लग रहा है। वीडियोज लंबा ना हो इसलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर और भी कुछ दिखाना होगा हमारे गांव के बारे में तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा इसका। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।